हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। iOS का 12.4.1 अभी हमारे सभी iPhones के लिए आ चुका है। अगर आप iOS 12.4 पे थे तो आपको जो है यहाँ पे iPhone 6s Plus पे यहाँ पे आप देख सकते हो 72.6 MB का अपडेट है। मेरे iPhone 6 के ऊपर जो है अपडेट साइज़ है 71.2 MB, और यहाँ पे मेरे iPhone SE के ऊपर जो अपडेट साइज़ आया है वो है 70.3 MB। तो जो भी आईफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपडेट साइज़ कुछ बड़ा नहीं देखने को मिलेगा, काफ़ी छोटा अपडेट साइज़ है। ये अपडेट आया क्यों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें क्या नया है वो भी बताऊंगा, क्या आपको ये अपडेट अभी करना चाहिए या वेट करना चाहिए फॉलो वीडियो का, ये भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। अपडेट से पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे आईफोन एसी में वो था 17.99 GB, अपडेट के बाद हो गया 18.4 GB। वही आईफोन 6 में अगर आप देखेंगे तो अपडेट के पहले था 49 GB फ्री अवेलेबल स्पेस, और अपडेट के बाद हो गया 47.71 GB। तो यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस घटा है जबकि आईफोन एसी में बढ़ा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आईफोन 6s प्लस को मेरे, तो यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस था पहले 8.93 GB, और अपडेट के बाद हो गया 8.99 GB। तो अवेलेबल फ्री स्पेस आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जनरली जो है मार्जिनली अपडेट स्पेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, लेकिन आईफोन 6 में मैंने जो देखा है अवेलेबल फ्री स्पेस घटा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले अपडेट में क्या कुछ नया आपको देखने मिलेगा। तो बेसिकली इस अपडेट के अंदर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था कि नॉब अटैक से रिलेटेड, कि एप्पल ने किस तरह से iOS 12.4 के अंदर नॉब अटैक का जो प्रॉब्लम है, जो ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो सारे एंड्रॉयड आईफोन सभी डिवाइसेज जिसके अंदर ब्लूटूथ फंक्शन करता है उसके अंदर जो है वो नॉब अटैक वाला इशू था, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए से कोई भी हैकर आपके फ़ोन को हैक कर सकता था, उसको फिक्स किया था iOS 12.4 के अंदर। लेकिन वहाँ पे कमी रह गई थी, वो ये थी कि कोई भी जो है इस फ़ोन को, इस वर्जन को जो है iOS 12.4 के जेल ब्रेक कर सकता था और मेलिशियस कोड जो है इंस्टॉल आपके फ़ोन पे किया जा सकता था। तो ये दो दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, और दो दिन के अंदर जो है एप्पल ने अपने सारे आईफोन्स के लिए, आईपैड्स के लिए ये वाला अपडेट जो है iOS 12.4.1 का निकाल दिया है। उस वाले वीडियो के अंदर बहुत सारे जो है एंड्रॉयड के फैन बॉयज कमेंट कर रहे थे कि देख लिया एप्पल की सिक्योरिटी ऐसी है वैसी है, एंड्रॉयड की गूगल की सिक्योरिटी बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है, iOS की सिक्योरिटी ऑलवेज इज बेटर देन गूगल। गूगल के डिवाइसेस है ही कितने जिसपे लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन चलता है, लेटेस्ट पैचेस उसके ऊपर आते हैं, जबकि iOS के सारे डिवाइसेस, एप्पल के सारे डिवाइसेस, चाहे वो 5 साल पुराने क्यों ना हो, उसके ऊपर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलता है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ फर्मवेयर देखने के लिए मिलता है। इस वाले अपडेट में दोस्तों मल्टीटास्किंग का भी खास ख्याल रखा हुआ है, तो मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। और जो लोगों को बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा था iOS 12.4 के अंदर, वो वाला इशू भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है। आप लोग जो है इसको इस्तेमाल करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी अपडेट जो है आपको अभी के अभी जो है ये वाला अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ़ोन की सेफ्टी सिक्योरिटी बग फिक्सेस से रिलेटेड अपडेट है, और बहुत ही छोटा अपडेट है जिसको आप बड़े ही आसानी से बिल्कुल 5 मिनट लगा के अपने बिजी शेड्यूल का डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ भी सोचिए मत दोस्तों, iOS 12.4.1 वाला अपडेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी जाके अपने आईफोन्स के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए और एंजॉय कीजिए अपने iOS के एक्सपीरियंस को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।